की शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर किसी को जल ना चढ़ाने देना है। उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रेंदना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठा कर लिया, 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता, ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं? काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए। जिंदगी में कितना भी पाप हो जाए, जिंदगी में कितना भी आपने झूठ बोल लिया, जिंदगी में आपने कितना भी अपशब्द कह लिया, मनुष्य की देह में आने के बाद आपने कितना भी पाप करा हो, कितना भी झूठ बोला हो, कितना भी छल करा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इतना जरूर स्मरण रखना, इस शरीर से कितना भी पाप हो जाए पर भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते हैं। क्या शमी का पत्र धोकर वापिस चढ़ाया जा सकता? नहीं। दोबा को धोकर वापिस चढ़ाई जा सकती है? नहीं। शमी का पत्र धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता, फिर धोलोगे फिर चढ़ा दोगे ये नहीं हो सकता। दुर्वा वापिस धोकर वापिस नहीं चढ़ाई जा सकती, चावल का दाना उठाकर धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता, धतूरा धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता। केवल एक बेलपत्र ऐसी है, केवल एक बेल का पत्ता ऐसा है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और 64 योगनिया और 33 कोटी देवता, आपको पहले भी कहा यहाँ से यहाँ तक 64 योगनिया, यहाँ से यहाँ तक 33 कोटी देवता इस बेलपत्र के अंदर विराजमान है, इसलिए इसको आप बार बार धोकर चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेगा। और बाकी किसी जी पर अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर। हम विचारों में खो देते हैं कि परमात्मा सो रहा है, भगवान को जगा दूं। कई लोग कहते हैं मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती है कि भगवान को जगाया जाए। ना ना ना, घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती, घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कहे। घंटी मतलब गरुण देव, गरुण देव हमारे दिल की बात परमात्मा से कहे, इसलिए उस घंटी को। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा, चलाना हमें मौन होकर जहां नंदी बैठता है उस नंदी के बिल्कुल पास में 2 मिनट बैठकर, जब सोमवार का दिन हो या कभी आपको ऐसा लगे कि सोमवार को भीड़ ज्यादा रहती है मंदिर में, जब बाबा तुमको एकांत में मिल जाए, अकेले मिल जाए, एकांतेश्वर मिल जाए, तुम उसके पास में जहां नंदी बैठता है उसके नजदीक बैठकर नंदी के
चरण का स्पर्श अपने हाथों से करते हुए जैसे नंदी महादेव का दर्शन करता है वैसा दर्शन जिस दिन आप दिल से मौन रहकर महादेव का करना प्रारंभ कर दोगे आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौन में सब महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। तो केवल दो दिन ऐसे होते हैं, तीन वैसे तो ये पांच दिन बताए हैं, परंतु उसमें अपन तीन दिन मान्य करो जिस दिन झाड़ू नहीं खरीदी है। एक अमावस्या, दूसरी एकादशी और तीसरी पूर्णिमा।